हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप टॉप आइडियाज़। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट। सो आपको पता ही है, अभी सीज़न चल रहा है, शादी का सीज़न चल रहा है, वेडिंग मतलब जो है इंगेजमेंट है, रिसेप्शन है, घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो गया, उस तरीके का सीज़न ही ऐसा चल रहा है कि छोटे मोटे फंक्शंस होते ही रहते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन ट्रेंडी साड़ी, जहाँ पर आप मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो हम हमेशा ट्रेडिशनल वियर प्रिफर करते हैं पहनने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना हम ट्रेंडी साड़ी पर बनाए, जो कि अभी सिक्वेंस साड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रही है। तो मैंने वीडियो आज करने वाली हूँ ये ट्रेंडी, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रेंडी सिक्वेंस साड़ी है, उस पर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आई होप यू विल एन्जॉय अ लॉट, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब जो लेटेस्ट कलेक्शन होता है, लेटेस्ट कलेक्शन वो मैंने ऑर्डर किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एज़ यू कैन सी, मैंने ये साड़ी जो है वो ओपन करी है, इसमें कुछ इस तरीके का पैकेजिंग हमें मिलता है सभी साड़ियों में, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, बहुत ही अच्छे से हम यू नो स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस आर द फोर साड़ीज विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टूडे, एंड सो गॉर्जियस आई हैव टू टेल यू दैट। सो दिस इज़ द फर्स्ट साड़ी ऑफ दिस टूडेज ब्लॉग। एज यू कैन सी, दिस इज ऑल सिक्वेंस। लेट मी ओपन दिस फर्स्ट। सो आपको पता ही है कि अभी हैवी सिक्वेंस का जो है वो ट्रेंड मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाली जो है वो पूरी हैवी सिक्वेंस की साड़ी है, और इसका जो पल्लू का पार्ट है वो आपको पूरी साड़ी में सेम एज दिस पल्लू का पार्ट है उसी तरीके का मिलने वाला है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, पल्लू का पार्ट है वो पूरा हैवी सिक्वेंस का है, और पूरी साड़ी में आपको सेम ऐसा ही सिक्वेंस का जो वर्क है वो मिल जाएगा, एज़ यू कैन सी। और इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और ये जो सिक्वेंस का वर्क किया गया है आप देख सकते हैं, वो कुछ मतलब ऐसे चिपकाया नहीं है, पूरा जो है वो थ्रेड से उसको लगाया गया है, तो इसका कोई भी आपको टेंशन नहीं रहेगा कि सिक्वेंस निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे जो वर्क किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग वाला वर्क है, और इसकी बॉर्डर में आपको इस तरीके की शाइनी साटिंग की जो है वो बॉर्डर मिल जाएगी, और पूरा जो है वो हैवी सिक्वेंस का वर्क है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई स्पेस में रह गया है, पूरी साड़ी में आपको हैवी सिक्वेंस का जो वर्क है वो मिलेगा। और इसका जो हम ब्लाउज़ की बात करें तो इसमें शाइनी सा बैंगलोरी सिल्क का मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है इस तरीके की पूरी हैवी सिक्वेंस की साड़ी में बैंगलोरी सिल्क का जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। यू ना, आप इसको स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ बनवा सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। एज यू कैन सी कि मैंने भी ये साड़ी जो है आपको पहन के दिखाने वाली हूँ, बाजू में साइड में वीडियो चलती रहे। सो दिस इज़ द ब्लाउज पार्ट, और आपको पूरी साड़ी जो है वो 5.5 मीटर की मिल जाएगी, और उसका जो ब्लाउज पीस है वो 0.8 मीटर का मिल जाएगा, सो ऑलमोस्ट 1 मीटर का आपको ब्लाउज पीस जो है वो मिल जाएगा। और अभी यू नो बहुत सारी जो गर्ल्स होती है उसने DM में भी मुझे कहा था इंस्टाग्राम पे कि आप कोई मतलब जो ट्रेंडी साड़ी चल रही है उस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन हो रहा है तो उस पर हमको साड़ी पहनने के लिए चाहिए। तो बिल्कुल ये परफेक्ट एक साड़ी है जो आप ग्रेजुएशन पर पहन सकते हो, और ये है हमारी दूसरी जो साड़ी आज की वीडियो की। आप तो अब तक आपने गेस्ट कर ही लिया होगा कि ये साड़ी किसने पहनी थी, ये साड़ी कृति सैनन ने पहनी थी, जी हाँ। और ये मतलब मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा सिक्वेंस का वर्क किया गया है, एज यू कैन सी इसमें फ्लावर वाली डिज़ाइन है, ये मतलब सीधा सिक्वेंस का नहीं है, इसमें डिज़ाइन वाली सिक्वेंस जो है वो दी गई है, आप नज़दीक से देख ही सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसकी जो बॉर्डर है वो भी सिंपल सी बॉर्डर नहीं दी गई है, इस तरीके की वर्क वाली बॉर्डर गई है, जिसकी एज पे आपको सिक्वेंस मिल जाएगी, पूरा इस तरीके का पल्लू का पार्ट में आपको इस तरीके की सिक्वेंस, पूरी साड़ी में आपको इस तरीके की बॉर्डर वाली सिक्वेंस वाली बॉर्डर मिल जाएगी, और ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लुक देती है। एज यू कैन सी मैंने इस तरीके की रखी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लुक देती है, तो मुझे ये देखते ही पसंद आ गई थी। ब्लैक साड़ी आप कहीं पे भी पहन के जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लुक देती है ब्लैक कलर, और हम सभी का ब्लैक कलर इज़ फेवरेट, यू नो। सो दिस इज़ द ब्लैक साड़ी, इसमें पूरे साड़ी में आपको इस तरीके का सिक्वेंस का वर्क मिल जाएगा, जैसे कि प्रीवियस वाली साड़ी में आपको मिला है, और ये वाली बहुत ही ज़्यादा मतलब फिनिशिंग के साथ दी गई है, इसमें भी आपको पूरा थ्रेड का वर्क से इसको लगाया गया है, तो इसमें निकलने के सिक्वेंस निकलने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो ये बहुत ही
अच्छी साड़ी है, आपको इस प्राइस में ये साड़ी मिल रही है, आई थिंक आपको ये चेकआउट करनी चाहिए। और ये सारी साड़ी मैंने एक ही वेबसाइट से परचेस की है, वो है केओनी फैशन। और काफ़ी अभी लोग केओनी फैशन अभी बहुत ही ज़्यादा ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं, केओनी फैशन से साड़ी ऑर्डर कर रहे हैं, तो मुझे ये पर्सनली वेबसाइट भी बहुत पसंद है, मैंने बहुत बार इससे ऑर्डर की है। मैं मोस्टली साड़ी वहीं से ऑर्डर करती हूँ, मैं कोई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे हर बार बहुत ही अच्छी मिलती है। तो आपको पूरी साड़ी में इस तरीके का वर्क मिल जाएगा। और इसकी ब्लाउज़ की बात करें तो आपको इसमें भी बेंगलोरी सिल्क जैसा मटेरियल मिल जाएगा, और इसके आप बॉर्डर ये लगवाना चाहो ये स्लीव में तो डेफिनेटली लगवा सकते हो। आप इसमें भी स्लीवलेस करवा सकते हो आप चाहो तो, लेकिन अगर आप स्लीव वाली करवा रहे हो ब्लाउज़ तो ये बहुत ही अच्छे आप लुक देगी। सिंपल सा ब्लाउज़ इसकी स्लीव पे इस तरीके की बॉर्डर बहुत ही अच्छा लुक देती है, तो इस पर मैं 10 out of 10 दूंगी, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग वाला वर्क किया गया है। और ये रही हमारी थर्ड वाली साड़ी, जो कि सिमिलर है फर्स्ट वाली साड़ी से, और इसकी आप देखेंगे ना तो वो साड़ी और ये साड़ी में क्या डिफरेंस है कि ये साड़ी का कलर जो है वो अलग है और इसकी सिक्वेंस का कलर है वो अलग है। और वो वाली साड़ी में जो साड़ी का कलर है वही सिक्वेंस का कलर आपको मिलेगा, तो ये डिफरेंस है दोनों साड़ी में। और मैंने एक साड़ी और ऑर्डर की है जो कि सिमिलर है वो फर्स्ट वाली साड़ी से, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा उसमें ये लाइट नहीं, उसमें पिंक कलर मैंने ऑर्डर किया है, ये है जो क्रीम वाली साड़ी, उसी में मैंने पिंक कलर भी ऑर्डर किया है, तो वो वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने को। और ये रही हमारी सेकेंड वाली साड़ी सिक्वेंस, नहीं सॉरी थर्ड वाली साड़ी सिक्वेंस की, और इसी में भी सेम साटिन का जो है वो बॉर्डर दी गई है और पूरी हैवी सिक्वेंस का वर्क है। और इसमें भी आप देखेंगे तो सिक्वेंस जो है वो चिपकाई नहीं गई है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ थ्रेड वर्क से चिपकाई गई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अगर कोई आप वेडिंग फंक्शन है तो डेफिनेटली आप इसको कैरी कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा आपको लुक देगी। एज यू कैन सी इस तरीके का आपको बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है, तो आप डेफिनेटली इसको वेडिंग फंक्शन के लिए ऑर्डर कर सकते हो, और कोई भी फंक्शन हो ये साड़ी हमेशा आपको चमक देने ही वाली है। सो ये वाला जो सिक्वेंस का वर्क है वो आपको पूरी साड़ी में मिल जाएगा, और इस पर भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, वो प्रीवियस वाली साड़ी में भी जो फर्स्ट वाली साड़ी है उसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। सो आप डेफिनेटली उसको ऑर्डर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, मैं सारी प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस पर भी सेम शाइनी सा बेंगलोरी सिल्क का मटेरियल है एज जो फर्स्ट वाली साड़ी में था, तो इस तरीके का आपको सिंपल सा आप स्लीवलेस इसमें करवा सकते हो, फुल स्लीव करवा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देने वाला है। तो ये हो गई हमारी थर्ड वाली साड़ी फिनिश, लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड फाइनल साड़ी ऑफ दिस ब्लॉग एंड विच इज़ ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। और ये साड़ी जो आगे वाली साड़ी थी वो सब साड़ी जो है वो जॉर्जेट में थी, क्योंकि अभी ऐसा सीज़न चल रहा है कि आपको ऐसा स्मूथ सा मटेरियल हो तो काफ़ी पहनने में कंफर्टेबल रहता है, आप जल्द से मतलब बोर नहीं हो जाते, तो वो सब साड़ी जो है वो जॉर्जेट में थी। और ये वाली जो साड़ी है वो है ऑर्गेंजा में भी सिक्वेंस का वर्क किया गया है, आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा पैरेट ग्रीन कलर है, और आप देख सकते हो इसकी जो फिनिशिंग है एम्ब्रॉयडरी का वर्क है और सिक्वेंस का वर्क है, एज यू कैन सी ऑन दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर। ये बॉर्डर जो है आपको पूरी साड़ी में मिल जाएगी, और इस तरीके की फ्लावर वाली डिज़ाइन जो है वो भी आपको बीच बीच में मिल जाएगी एज यू कैन सी पूरी साड़ी में, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी साड़ी है। आप इसको भी समर टाइम में कैरी कर सकते हो, ये ऑर्गेंजा बहुत ही स्मूथ है, वो हार्ड वाला जो ऑर्गेंजा आता है उस तरीके का नहीं है, तो ये साड़ी भी मुझे बहुत ही पसंद, देखते ही पसंद आ गई, आप फोटोज़ में भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। और पूरी साड़ी में इस तरीके की बॉर्डर मिल जाएगी फ्लावर वाली और लीव वाली। और इसके ब्लाउज़ की बात करें तो इसका जो ब्लाउज़ पार्ट है वो मेन है, क्योंकि ये पूरा साड़ी का लुक ही चेंज कर देती है, आप देख सकते हो जो साबी साची है वो उस तरीके की, इसका जो ब्लाउज़ का पैटर्न है उसके ऊपर ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन जो है बनाया गया है, बिल्कुल साबी साची की तरह ही आपको ये वाला ब्लाउज़ जो है वो मिलेगा।
इस पर भी पूरा जो है पाइपिंग का वर्क किया गया है, जरदोसी वर्क बोल सकते हो, और इस पर भी इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी और सिक्वेंस का वर्क किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पूरी साड़ी का लुक इससे चेंज हो जाता है। तो इसका जो ब्लाउज पीस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और डेफिनेटली आप इसको बनवा सकते हो। तो ये थी आज की हमारी 4 साड़ी और आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माय चैनल येट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।